दोस्तों, अगर आपने भी कोई स्मार्ट वॉच खरीदी है और आप उस स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान पर रख देखिएगा, मैं आप सभी को पूरी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप स्मार्ट वॉच खरीदते हैं तो उसका टाइमिंग और जो सेटिंग्स होती है वो कुछ भी सही नहीं होता है। जब वो आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे स्मार्ट वॉच को, स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे, तभी वो सारी सेटिंग्स हो सकती हैं। इसलिए आप सभी को स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करना आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप सभी को संपूर्ण जानकारी सीखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे मैं उन्नाव जिले से हूं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, अगर आप भी उन्नाव जिले से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है ब्लॉक का नाम या गांव का नाम जरूर लिखिएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली खुशी होती है जब उन्नाव जिले का कोई भी बंदा जो है इस वीडियो को देखता है। और अगर आप उन्नाव जिले से यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके वीडियो का जो है पोस्ट जो है कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। अगर मेरे से कम व्यूज आते हैं तभी मैं डालूंगा, अगर ज़्यादा व्यूज आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका कम्युनिटी पोस्ट में डालने का। अगर आप किसी अन्य राज्य या अन्य जिले से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं इस बारे में जानने के लिए। तो चलिए वीडियो की ओर शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए आप सभी को मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं ये लिखा है डाउनलोड द नॉइस फिट ऐप, इस तरीके से लिखा है और कहीं कुछ भी हो नहीं रहा है, यहां पे स्कैन कर रहे हैं। अब आपको इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना है, इसमें टाइम वगैरह सब कुछ सेट करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल सबसे पहले फिल करनी है। अभी देखिए कुछ भी नहीं, इसको रख देते हैं और बेसिक डिटेल जो अपनी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेल ये सही है और इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर ली इस तरीके से और यहाँ पे क्लिक कर देना है। इससे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर डन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हाइट ये सही है, वेट जो है यहाँ पे वेट थोड़ा ज़्यादा है, इसको कर लेंगे 70 इस तरीके से हो जाएगा इतना। इसके बाद ओके पर क्लिक करना। ये जो भी मैंने जानकारी फिल की ये आपको सही से फिल करनी है। इससे होता क्या है कि ये आपकी जो हेल्थ रिपोर्ट भी बताता है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, आपको सही से पूरी जानकारी भरनी चाहिए। अलाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देख तो आप सभी के सामने लिख के आएगा ऐड स्मार्ट वॉच टू गेट मोर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अभी 10 बजे दिखा रहा है जबकि यहाँ पे टाइम हुआ है 8:29। यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए आइकन बज इस तरीके दिखने लगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर और ये देखिए यहाँ कनेक्ट हो गई। अभी जो 10 बजे दिखा रहा था अभी देखिए यहाँ पे टाइम 8:29 हो गया, तो यहाँ पे टाइम जो सेट हो गया और यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच जो है कनेक्ट भी हो गई। इस तरीके से आप स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। और भी जैसे कई सारे वॉचेस फेसेस का ऑप्शन है, तो जैसे वॉच का भी देखिए ये जो डिजाइन है वॉच का ये ऊपर वाला, अभी इसको करना है तो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला करना है ये वाला हो जाएगा, ये वाला करना है ये वाला हो जाएगा। जो भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, जैसे ये वाला करना है तो ये वाला हो जाएगा और इस तरीके से ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैक करेंगे। और उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे नोटिफिकेशन का किस किस की ऑन करनी है आपको, फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑन करनी है, मैसेज की, या इस तरीके से नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि कॉल आए तो कॉल जो है वो उसका नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पे अलाउ कर लीजिएगा, फिलहाल अलाउ कर लीजिएगा इस तरीके से। लेकिन जो है कॉल की जो है नोटिफिकेशन अदर परमिशन भी है आपको क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन शॉर्टकट पर भी अलाउ करना है इस तरीके से। अलाउ करने के बाद ये सारा कुछ हो गया, अब यहाँ पर जो है हो ये देखिए अलाउ हो गई, तो इस तरीके से अलाउ होगी, बैक करेंगे। बैक करने के बाद और भी कई सारे अदर्स जो है फीचर्स है, जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यूनिट्स क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप करना चाहते हैं, बैटरी सेविंग अगर करना चाहते हैं, लैंग्वेज करना चाहते हैं, स्क्रीन टाइम आउट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 10 सेकंड में कर लेता हूँ जब स्क्रीन जो है
वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये 10 सेकंड जो है ऑटोमेटिक 10 सेकंड तक जलती रहेगी। जो 5 सेकंड का टाइम आउट होता है वो देखिए बढ़ा दिया मैंने 10 सेकंड तक, अब ये जलेगी। ये भी कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप रीसेट करना चाहते हैं रीसेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो यहाँ से सेटिंग्स उससे हो जाएगा। अब यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद ये यहाँ पे जो है आपने कितना दौड़ा है किलोमीटर और ये आपकी कैलोरीज वगैरह ये सब सारा कुछ जो है यहाँ डिटेल्स आएगी। इस घड़ी को जब आप अपनी कलाइयों में पहन के दौड़ेंगे चलेंगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ फिल करता है। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह आपकी दिखाई देगी, जो आपने प्रोफाइल ऐड की है ये देखिए प्रोफाइल ऐड की जो थी वो प्रोफाइल दिखाई देगी। गोल वगैरह कितना सेट करना चाहते हैं तो गोल यहाँ पे 1500 जो है 1500 कदम का 1 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो आपको जो भी गोल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे 4 किलोमीटर का गोल करना चाहते हैं तो आपको जो है 6000 कदम पे सेलेक्ट कर लेना है, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6000 कदम, इस तरीके से 6000 कदम पे क्लिक करेंगे, बैक करेंगे और ये दोस्तों 6000 कदम हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं और उनका जो है आप सुविधा का लाभ इस एप्लीकेशन के थ्रू उठा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इस प्रकार आप अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से अपने एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना सीख सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी को संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।